जानना चाहती है कि मतलब आज इस चीज के लिए सबसे पहले इतना लेट क्यों? एक्चुअली आज जो हमारा बिग बॉस इतना बड़ा जो हमारा सीज़न का हिट रहा है और इतने सारे दोस्त बने हमारे, तो हमने उनके लिए ख़ास तौर पर पार्टी दी है कि हमारे जो बिग बॉस 11 के कंटेस्टेंट हैं हम उनको खुश करें और उनके लिए पार्टी दें। वैसे मैं फिनाले से खूबसूरत दिख रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन हाँ बस यही है कि आवाम खुश रहे और यार थोड़ी इज्जतदार खबरें छापा करो। अभी वो थोड़ी बातचीत चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह जब हो जाएगा पूरा काम तो हम आपको आगे की चीज़ें बता देंगे। पार्टी में जो हमारे टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं वो सब आएंगे, मेरे जो मेरे करीबी दोस्त रहे हैं बिग बॉस के अंदर वो सब आएंगे, क्योंकि होस्ट में ही हूँ। मैंने सबको इनवाइट किया है जो जो मेरे करीबी लोग हैं, लेकिन उनकी मर्जी है, उनको आना रहेगा तो हम उनको तहे दिल से उनका इस्तकबाल करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। जी मैंने हिना से बात की, लेकिन व्हाट्सएप पे बात हुई मेरी, मैंने उन्हें कॉल नहीं किया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि विकास और शिल्पा की शादी होने वाली, तो इसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिल्पा उनसे 15 साल बड़ी है, उनकी कोई शादी नहीं होने वाली है। हो जाती है तो देखते हैं आगे क्या होगा, लेट्स सी। देखिए अगर वो सामने नहीं आ रही है तो या तो वो बहुत ज़्यादा खुश है या फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी है। 3 लाख रुपए विकास ने दिए हैं, सुनने में आ रहा है, क्या खबर है ये सब 3 लाख वाले? विकास आ जाए अभी उससे पूछिएगा, उसने मेरे अकाउंट में अभी तक ट्रांसफर नहीं किया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो डिसाइड किया, जो 6 लाख रुपए हमने उनके लिए, मैंने जो उनको टास्क में जितवाए थे अर्शी की चाहत में, तो उन्होंने हाफ ऑफ डिवाइड किया। ज्योति भी आई हुई है, ज्योति से भी प्लीज सवाल पूछिएगा, वो भी आई है अभी थोड़ी देर में, वो भी पहुंच रही है। मैं वैसे मेरे पास बहुत सारे ऑफर आए, हमारे होस्ट के आए हैं, साउथ इंडस्ट्री से आए, तो इंशाल्लाह मैं आपको मूवीज में जरूर दिखूंगी। नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, वो 3 साल पुरानी बात है कि मैं और अब मेरी दोस्त कुछ मजाक कर रहे थे बाहर बैंड्रा साइड पर, और हमने एक बुके लेकर सलमान की, हमने कहा दिख जाए, इतनी बड़ी शख्सियत है हमें दिख जाए, तो 3 साल पहले हमने हंसी मजाक किया था, वो अभी दिखा दिया, तो मतलब मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन वो 3 साल पुरानी बात है। नहीं, शिल्पा जीती हैं, वो सही डिसीजन है भी और नहीं भी है, क्योंकि शिल्पा ने भी मेहनत की थी, लेकिन विकास गुप्ता ने और हिना ने भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मेहनत की थी, लेकिन उसने अलग तरीके से की थी, तो हिना भी डिज़र्व करती थी, विकास भी, मैं भी डिज़र्व करती थी। मैंने सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट दिया इस शो के अंदर आप लोगों को। ये सब ड्रामा था क्या रियल में? ऐसे है एटीट्यूड जो दिखता था? नहीं, वहाँ पर 100% रियल रहता है, 100% सच्चाई रहती है, एक एक लम्हा जो होता है वो बिल्कुल नेचुरल रहता है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, सब हम लोगों को खुद ही करना पड़ता है, रोना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है, लड़ाई भी, आप लोग जानते हैं कि लड़ाई कैसी होती है हम लोगों की। डेफिनेटली मुझे पद्मावत ज़रूर देखनी है, क्योंकि मुझे दीपिका बहुत ज़्यादा पसंद है, और संजय लीला बंसाली की मूवीज़ तो अल्लाह मुझे बड़ी पसंद है। अभी उसका पहला शो चल रहा है, स्टार्ट हुआ है। जी तो पद्मावत की अगर बात करें जी, तो क्या मतलब रिलीज होगी, आप देखने के लिए पहुंचेंगे? अभी इस वक्त हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी, ज़रूर। जी पैडमैन वो अक्षय आए थे हमारे, जब हमारा फिनाले था, तो थोड़ी बहुत स्टोरी हमें समझ में आ गई थी उसकी, लेकिन हाँ वो भी जाऊंगी ज़रूर। अक्षय ने एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा उनके साथ रैप हुआ था मेरा, अक्षय और सलमान के साथ, वो वोट पर अभी नहीं आया है, आई डोंट नो क्यों नहीं आया, लेकिन वो बेस्ट था, बहुत अच्छा था वो। थैंक यू। आवाम सब जानती है, आवाम सब देखती है, आवाम सब जानती है, आवाम सब देखती है, आवाम सब जानती है, आवाम सब देखती है, आवाम सब जानती है, आवाम सब देखती है।